खबर विकासनगर से है, जहां जौनसार बावर क्षेत्र में काठ का हिरण और काठ का हाथी बनाकर बूढ़ी दिवाली का समापन हो गया है। बता दें कि बूढ़ी दिवाली जौनसार बावर रवाई क्षेत्र का एक सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। देश में होने वाली दीपावली के एक माह बाद यहां पर बूढ़ी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और इस दौरान यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के गीतों के साथ साथ आंगन में नृत्य करते हैं। और इसी को लेकर स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह ने ये बताया है कि यहाँ पर जौनसार बावर की ये परंपरा एक अनूठी परंपरा है। इसमें सभी अपने घरों में पकवान बनाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर पकवान खाते हैं। साथ ही साथ काठ के हिरण और काठ के हाथी को मुख्य आंगन में नचाने के बाद आज के दिन बूढ़ी दीपावली का समापन होता है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ ये पुरानी दिवाली मानी जाती है और इसमें मासूम महाराज के उपलक्ष में हिरण और लकड़ी का हाथी बनाया जाता है। उसमें गांव के जो सियाना लोग होते हैं वो बैठते हैं और ये हमको देवता की वजह से करना पड़ता है, नहीं तो हमें अगर हम इन चीज को 3 साल बाद या 3 साल में अगर नहीं करेंगे तो पूरे गाँव के लिए महाराज का दोष भी लगता है और ये हमें जरूरी करना पड़ता है और एक त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस उपलक्ष में सब लोग जो परिवार से सर्विस क्लास में होते हैं, कोई व्यवसायिक होते हैं, तो सब लोग घर आते हैं, सबका आपस में मिलना भी हो जाता है और शाम के टाइम इकट्ठे होके जो है ना ये महाराज के उपलक्ष में हमें जरूरी करना पड़ता है।